कोरोना संक्रमितों को हो रही एक और बीमारी, ब्लैक फंगस ने डराया। ये बीमारी छीन रही आंखों की रोशनी। अब तक आ चुके हैं 100 से ज्यादा मामले। देश इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये कोई वायरस नहीं है, 5G टेस्टिंग की वजह से लोगों की जान जा रही है। हालांकि इसको लेकर हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि इस पर WHO क्या कहता है, जिसमें साफ हुआ था कि 5G टेस्टिंग से लोगों की जान नहीं जा रही है। वहीं कोरोना वायरस के साथ साथ अब देश में एक बीमारी म्यूक्रोमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग काफी घबरा गए हैं। गुजरात में ब्लैक फंगस के 40 मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस देखा गया है। गुजरात के सूरत में ब्लैक फंगस की वजह से 8 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना की वजह से संक्रमण ज्यादा फैल रहा है और देर से इलाज मिलने से मरीजों की मौत भी हो सकती है। सरकार ने संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अलग वार्ड बनाए हैं, ताकि समय रहते संक्रमितों को देखा जा सके और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी यह संक्रमण तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मुंबई में 29 वर्षीय शख्स में माइक्रोमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का संक्रमण देखा गया। ये शख्स कोरोना से ठीक हो चुका था। हालात ज्यादा बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब उसकी सर्जरी की गई, दिमाग में इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए डॉक्टरों को ऊपरी जबड़ा हटाना पड़ा। फिलहाल मुंबई में इस घातक संक्रमण के 18 मरीज हैं। क्या है ब्लैक फंगस इन्फेक्शन? कोरोना से संक्रमित मरीज या कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन देखा गया है। ये इन्फेक्शन आमतौर पर उन लोगों में होता है जिनका शरीर किसी बीमारी से लड़ने में कमजोर होता है। इस इन्फेक्शन से आंखों में दर्द, सूजन की शिकायतें आने लगती हैं। जानकारी कहते हैं कि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इसका ज्यादा खतरा रहता है। वहीं डायबिटीज के पेशेंट भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। कई मामले तो हैरान करने वाले भी आए हैं, जब डॉक्टर्स को मरीजों की आंखें तक निकालनी पड़ी है।